हेलो स्टूडेंट्स आज हम कुछ नया सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सीखेंगे लास्ट वीडियोस में नंबर टाइप क्वेश्चन सीखे थे आज वर्ड टाइप क्वेश्चन सीखेंगे क्या होता है देखिए फर्स्ट मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ आपको समझा देती हूँ हाउ मेनी डिफरेंट परमोटेशन कैन बी मेड बाई टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंग्लिश यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको ये जो इंग्लिश लेटर है वर्ड है इस इंग्लिश वर्ड के सारे लेटर्स को लेके हम कितने सारे परमुटेशन बना सकते हैं परमुटेशन बना सकते हैं यहाँ तो पहले तो इंग्लिस में सारे लेटर्स आपको लेना होगा तो आपने सेलेक्ट कर दिया सारे लेटर्स अभी उसको पारमोटेट करना होता है मतलब क्या करना होता है सिलेक्ट एन अरेंज यहाँ पर पहले सेलेक्ट करना होगा ऑल द लेटर्स बता दिया मतलब ऑल सेलेक्ट होंगे फिर अरेंज होंगे एक दूसरे के साथ तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कोई लेटर्स रिपीटेड नहीं है क्या कितने टाइम्स है ई यहाँ पर देखिए वन टाइम्स है एन यहाँ पर वन टाइम्स है जी भी वन टाइम्स है एल भी आपको दिख रहा है वन टाइम्स है आई भी आपका वन टाइम्स है एस भी वन टाइम्स है और एच भी यहाँ पर वन टाइम्स है तो सारे लेटर्स वन टाइम्स है और टोटल टोटल लेटर कितना है टोटल लेटर्स कितने हैं टोटल लेटर्स टोटल लेटर्स है सेवन देयर फॉर द टोटल पार्मोटेशन और टोटल टोटल वर्ड्स अगर हम बता सके तो पारमोटेशन हम लिखते हैं पार्मोटेशन हमारा कितना होना चाहिए टोटल परमोटेशन क्योंकि सेवन डिफरेंट लेटर्स है एक दूसरे के साथ कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं सेवन फैक्ट्रियल वेज में क्यों क्योंकि हमें पता है ना कोई भी परमोटेशन मतलब क्या होता है सिलेक्ट करना होता है सिलेक्ट करके फिर अरेंज करना होता है यहाँ पर ऑल लेटर्स बता दिए मतलब सेवन को ही सिलेक्ट करना होंगे सेवन को सिलेक्ट करके फिर सेवन को ही अरेंज करने होंगे तो सिलेक्शन में कोई भी कोई कंडीशन नहीं है सारे को सेवन से सेवन ले रहे हैं तो उसमें तो कोई कंडीशन नहीं आ रहा है सारे सिलेक्ट कर लिए फिर उन सातों को ही अरेंज करना होता है तो सातों को अरेंज करेंगे ओनली सेवन फैक्ट्रियल में आपको ये ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेवन पी सेवन सेवन पी सेवन का मतलब सेवन फैक्ट्रियल होता है सेवन लेटर से सेवन लेटर्स को लेंगे फिर उन्हीं सेवन को पा अरेंज करेंगे यहाँ पर तो सेवन फैक्ट्री आता है इसका वैल्यू कितना आएगा फाइव जीरो फोर जीरो तो ए आया हमारा इंग्लिश को हम पार्मोटेशन में समझ रहे हैं आई थिंक आपको समझ में आया मैं फिर से समझा देती हूँ देखिए यहाँ पर बता रहे कि हाउ मेनी डिफरेंट पार्मोटेशन कैन बी मेड बाई टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंग्लिश अभी देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो लेटर्स हमें दिया हुआ है वो कितने टाइम्स कर कर है पहले सब ओ लिख लेंगे ई ए वन टाइम्स है एन वन टाइम्स है एच वन जी टाइम्स है एल वन टाइम्स है आई वन टाइम्स है एस वन टाइम्स है एच वन टाइम्स है कितने टाइम्स करके रहेंगे वो आपको देख देख के लिखना है फिर आपको देखना है टोटल कितना लेटर्स है आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं तो टोटल लेटर्स हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन दिख रहा है सो तो टोटल लेटर्स से हमें सेवन मिल रहा है अभी इनको पार्मोटेशन में करना है मतलब सिलेक्ट करके अरेंज करना होता है तो ऑल लेटर्स होना लेना है मतलब सेवन से सेवन लेना है तो टोटल परमोटेशन कितने आएंगे सेवन पी सेवन उसका मतलब ही सेवन फैक्टर आता है तो 7, 7 factor, मतलब फाइव जीरो फोर जीरो आंसर रहेगा अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन में अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कितने कैसे होंगे सेकंड क्वेश्चन यहां पर बता रहे कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाई ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड हिंदी यहां पर अरेंजमेंट करना है वहां पर परमोटेशन था यहाँ पर अरेंजमेंट है ऑल द लेटर्स बता दिए मतलब अरेंजमेंट और पार्मोटेशन की बात हो रहा है यहाँ पर सो हिंदी को लेके तो पहले वाले से तरह करते हैं पहले तो हम देख लेते हैं कौन सा लेटर कितने टाइम्स है एच वन टाइम्स आई है यहाँ पर वन टाइम्स एन है हमारा वन टाइम्स नहीं आई यहाँ पर हमें टू टाइम्स दिख रहा है वन टाइम्स नहीं है सॉरी टू टाइम्स है एन है वन टाइम्स डी है वन टाइम्स और टोटल लेटर्स हमारा कितना है लिख लेते हैं टोटल लेटर्स है हमारे फाइव फाइव है तो एक दूसरे के साथ कितने वेज में अरेंज होना चाहिए देयर फॉर द टोटल अरेंजमेंट कितना होना चाहिए टोटल अरेंजमेंट हमारे होना चाहिए फाइव फैक्टोरियल हमें क्योंकि फाइव लेटर्स है बट यहाँ पर देखिए आई टू टाइम्स है तो आई टू टाइम्स है तो टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है क्यों क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ देखिए अब अगर हिंदी लिखेंगे हिंदी में देखिए हम अरेंज कर रहे हैं मतलब क्या लेटर्स को एक दूसरे के साथ ऐसे एक्सचेंज कर रहे हैं जैसे कि हिंदी से हो गया एच आई एन आई डी हो गया एक वर्ड हो गया इसका कोई मीनिंग हो भी नहीं मीनिंग फुल वर्ड्स और मीनिंगलेस वर्ड कुछ ने इन लोगों ने बताया तो ओनली वर्ड बनाएंगे ऐसे हो गया फिर हम लिख सकते हैं एच एन आई आई डी बहुत सारे आएंगे सो फाइव फैक्टरवेज में बट यहाँ पर एक कंडीशन देखिए अगर मैं जैसे कि एक्सचेंज कर रही हूँ मैं जैसे कि यहाँ पर डी की जगह में आई लाया और डी आई की जगह डी लेके गया फिर इन को आई को एक्सचेंज किया बट यहाँ पर एक बात देखिए अगर मैं आई को इसी आई को लास्ट पोजिशन में और इस आई को इस पोजिशन इन पर लाऊंगी मुझे वही सेम ही वर्ड मिलेंगे अभी इसमें भी देखिए इसमें भी इसी आई को यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे उस इसको यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे फिर से ही मुझे सेम ही वर्ड दिखेंगे यहाँ पर भी सेम वर्ड दिखेंगे अगर हम आई आई के बीचों भी आई के साथ आई को एक्सचेंज करें तो यहाँ पर जो आई ए, एक दूसरे के साथ कितने वर्ज में एक्सचेंज हो सकते हैं और अरेंज हो सकते हैं टू फैक्ट्रियल वेज में वो टू फैक्ट्रियल वेज में इसमें इंक्लूडेड है देखिए ये सेम तरीके से एक ही मतलब एक ही वर्ड्स टू टाइम्स कर करके आएंगी इसी फाइव फैक्ट वेज में मतलब जहाँ जहाँ पर आई है दोनों आई में एक, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज के बाद भी हमें एक ही वर्ड्स टू टाइम्स कर करके दिखेंगे हिंदी भी टू टाइम्स मिलेंगे ए भी टू टाइम्स जितने सारे हमें वर्ड्स मिलेंगे सारे टू टाइम्स करके मिलेंगे क्योंकि आई एक दूसरे के साथ टू फैक्ट्रियल वेज में अरेंज हो रहा है तो उन लोगों को हमें चाहिए नहीं तो उनको निकाल के फेंकना है तो क्या करना है जो यहाँ पर करना क्या है जो लेटर्स टू टाइम्स करके रहेंगे उनको डिवाइड कर देना हुए टू टाइम्स थ्री टाइम्स मतलब रिपीटेड होंगे उसको डिवाइड कर देना होगा मतलब फाइव फैक्ट्रियल बाई टू फैक्ट्रियल कर देना होगा मतलब फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्ट्रियल बाई टू फैक्ट्रियल करेंगे मतलब हमें सिक्सटी आंसर मिलेंगे आई थिंक समझ में आया देखिए मैं, मैं फिर से बताती हूँ देखिए हिंदी में यहाँ पर लेटल लेटर्स है फाइव और एच है वन टाइम्स आई है टू टाइम्स एन है वन टाइम्स डी है वन टाइम्स अभी देखिए फाइव जो लेटर्स है एक दूसरे के साथ कितने वेज में अरेंज होते हैं फाइव फैक्ट्रियल वेज में बट हमें टू फैक्ट्रियल से डिवाइड करना है क्यों करना है क्योंकि आप ऐसे सिंपल वेज में ध्यान रखेंगे जो भी लेटर्स टू टाइम्स थ्री टाइम्स रिपीटेड रहेंगे वो एक दूसरे के साथ उतने वेज में रिपीट अरेंज होंगे तो एक ही लेटर्स हमें टू टाइम्स कर करके मिलेंगे अगर थ्री टाइम्स हो तो थ्री टाइम कर करके मिलेंगे तो उनको हमें डिवाइड करना है तो एक दूसरे के साथ क्योंकि टू फैक्ट्रियल वेज में अरेंज होते हैं तो टू फैक्ट्रियल से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे ही होंगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं और डिटेल्स में समझाती हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री पे ये लोग क्या बता रहे हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय ऑल बाय ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है बाय ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज यहाँ पर अरेंज वर्ड से जो वर्ड दिया हुआ है उसी वर्ड से कितने सारे डिफरेंट लेटर्स बना सकते हैं तो अरेंजमेंट है तो हमें सिंपली यहाँ पर पहले तो लिख लेते हैं टोटल लेटर्स कितने हैं आपको दिख रहे हैं टोटल लेटर्स है हमें दिख रहे हैं कितने हैं काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन लेटर्स दिख रहे हैं अभी सारे जो लेटर्स है कितने टाइम्स करके हम लिख लेते हैं ए हमें कितने टाइम्स दिख रहे हैं टू टाइम्स आर कितने टाइम्स है आर भी हमें टू टाइम्स दिख रहे हैं और एन कितने टाइम्स है एन है वन टाइम्स जी है वन टाइम्स ई है वन टाइम्स तो यहाँ पर सेवन लेटर्स है फोर थ्री यहाँ पर फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन लेटर्स है अभी, अभी अभी हम जो टोटल टोटल अरेंज टोटल लिखेंगे टोटल अरेंजमेंट लिखेंगे टोटल अरेंजमेंट्स लिखेंगे तो हमें सिंपली पता है कि सेवन फैक्टोरियल लिखेंगे बट यहाँ पर मैंने हिंदी में क्या बताया था कि जो लेटर्स रिपीटेड रहेंगे वो वो हमें सेम सेम जो वर्ड है सेम तरीके के वर्ड सेम मिलेंगे जैसे कि देखिए जैसे कि मैं अरेंज लिखती हूँ आर आर आ, ए एन जी ई यहाँ पर ए को ए से एक्सचेंज करेंगे तो वही हमें अरेंज ही मिलेंगे आर को आर से एक्सचेंज करेंगे वही अरेंज मिलेंगे मतलब सेम लेटर्स हमें बहुत टाइम्स मिल सकते हैं तो इसीलिए क्या करेंगे जो लेटर्स रिपीटेड रहेंगे रिपीटेड रहेंगे उससे उसको डिवाइड करना होगा ए एक दूसरे के साथ टू फैक्ट्रल वाइज में रिपीटेड होकर अरेंज हो सकते हैं और आर भी टू फैक्ट्रियल वाइज है तो ये जितने टाइम्स जो लेटर्स रहेंगे उतने करके डिवाइड करना होगा समझ में आया देखिए फिर से बताती हूँ अरेंज में देखिए अरेंज में टोटल सेवन लेटर्स से, है ए है टू टाइम्स आर है टू टाइम्स एंड एन है वन टाइम्स जी है वन टाइम्स ई है वन टाइम्स बट यहाँ पर क्या है सेवन लेटर्स को अरेंज करना है तो ओनली अरेंजमेंट मतलब सेवन फैक्ट्रीलाइज में अरेंज कर सकते हैं बट यहाँ पर क्या दिख रहे हैं ए टू टाइम्स है आर टू टाइम्स है जब भी हम ए के साथ ए को एक्सचेंज करेंगे तो हमें सेम ही लेटर मिलेगा वही सेम तरीका आर के साथ आर को जब एक्सचेंज करेंगे हमें सेम ही लेटर मिलेंगे अरेंज करना होता है मतलब क्या है लेटर्स को एक्सचेंज करके हम अरेंज करते हैं बट अभी ए को एक दूसरे के साथ अरेंज करें तो ए कितने वेज में एक दूसरे के साथ अरेंज हो सकते हैं टू फैक्ट्रियल वेज में तो उसी टू फैक्ट्रियल को हमें डिवाइड करना होता है अभी आर भी एक दूसरे के साथ कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं टू फैक्ट्रियल वेज में उसी टू को हमें यहाँ पर टू फैक्ट्रियल को डिवाइड करना होता है जितने सारे लेटर्स जितने टाइम करके रिपीटेड होंगे उसको उसी से डिवाइड

टी थर्टी मतलब जीरो सिक्स ट्वेल्व वन टू सिक्स जीरो आंसर आएंगे तो ये रहा वर्ड्स वाले और भी डिफरेंट वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड एक लाइक like दे देना